नमस्कार दोस्तों, मंदीप की पंजाबी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिक्कर छोले, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। जहाँ पर मैंने ली एक बड़ी कटोरी चने की, दो आलू, सूखा हुआ आंवला, ये देखें, दो बड़ी इलायची, दो लौंग, दालचीनी, थोड़ा सा जीरा, दो छोटी इलायची और एक मर्च। और जो ये चने हैं, सबसे पहले मैं इसको भिगो कर रख दूँगी। 4-5 घंटे के लिए इसे मैं भिगो कर रख दूँगी। ये देखें, चनों को मैंने 4-5 घंटे भिगो कर रख दिया था। और इसको जब मैंने भिगोया था, उसमें मैंने 1 चम्मच नमक का भी डाल दिया था। देखिए, यहाँ पर मैंने एक कॉटन का साफ कपड़ा लिया है, इसमें मैं डाल दूँगी जीरा, मर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और ये देखें, इसके हम एक पोटली मारेंगे। देखिए, जो कुकर मैंने गैस पर चढ़ा दिया है और जो जन मैंने पोटली बनाई है, सारा सामान डालकर, जब बहुत ज़रूरी है इसके साथ ही बॉईल करना है इसे, क्योंकि जो इसमें मैंने आंवले और बाकी की चीज़ें डाली हैं, उसका असर है जो भी चनों में आ जाए। देखें, आंवले डालना इसमें बहुत ज़रूरी है, जो चिक्कर छोले बनाने जा रही हूँ मैं। अब मैं 3 से 4 विसल लगाएंगे हम चनों को उबालने के लिए। चने जो मैंने बॉयल करने के लिए गैस पर चढ़ा दिए हैं, तब तक ये जो दो आलू हैं, इनको भी मैं बॉयल कर लूँगी। मसाला बनाने के लिए जहाँ पर मैंने 3 प्याज, अदरक, 2 टमाटर, लाल सूखी मिर्चें, तेज़पत्ता लिए हैं, प्याज है जो उनको बारीकी में काट लेंगे, अदरक को लंबाई में, और टमाटर भी हमें काट लेंगे। चने जो मैंने बॉयल कर लिए हैं, देख सकते हैं पानी में कालापन आ गया है आंवला डालने से, और जो चने हैं अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसमें से पानी भी निकाल लूँगी और इसका हम मसाला तैयार करेंगे। देखिए, दो आलू लिए थे मैंने, उनको बॉईल कर लिया है, उनको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। और जो जो मैंने पोटली में ये सब चीज़ें डाली थी, इनको फेंके मत, इनको मैं अच्छे से पीस लूँगी। पतीला मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, जो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1.5 कड़छी रिफाइंड ऑयल की, और इसके साथ ही हम डाल देंगे जीरा, और जो 3 लाल मिर्चें सूखी, तेज़पत्ता, और इसके साथ ही हम डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। और इसके साथ ही हम डाल देंगे प्याज, प्याज मैंने बिल्कुल बारीकी में काटे हुए हैं, इसको हम डाल देंगे इसमें। और साथ में हम डाल देंगे अदरक। अदरक को देखें, मैंने बहुत ही पतला और लंबे लंबे टाइम में रखा है। और अब हम तब तक भूनेंगे जब तक जो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज और अदरक को मैंने अच्छे से भून लिया है, और अब हम इसमें डाल देंगे जो मैंने पोटली में सामान मतलब उसको मैंने अच्छे से पीस लिया है, इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही हम डाल देंगे 2 टमाटर का पेस्ट। अब इससे हम इसे 2 मिनट के लिए ऐसे भूनेंगे। 2 मिनट हो गए हमें भूनते हुए, और हम इसमें मसाले ऐड करेंगे।
आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, और चना मसाला डेढ़ चम्मच। अगर आपके पास है तो आप डालने, नहीं है तो ना भी डालें कोई बात नहीं, पर इसे डालने से थोड़ा टेस्ट बढ़िया आएगा आपके चिकन छोलों का। और इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक, मैंने बॉईल करते वक्त भी एक चम्मच डाल दिया था, आधा चम्मच मैं अब डाल रही हूँ नमक का। और दो मिनट से भून लेंगे। और इसके साथ हम डाल देंगे जो मैंने आलू बॉईल किए थे, उनको मैंने ऐसे ही हाथ से ही मैश कर कर डाल देना है। ऐसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऐसे आप कच्ची से थोड़ा सा मैश करते रहें। आलू भी अच्छे से मैश हो चुके हैं इसके भी। अब हम इसमें चने डाल देंगे। अभी चने इसमें हम डाल देंगे अच्छे से। और इसे हम सारे मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। देखें अच्छे से मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें करेंगे पानी ऐड, एक गिलास मैंने वही पानी लिया है इसको मैंने जिसमें चने उबाल किए थे। देखें इसकी अच्छी इसकी खुशबू भी आने लगी है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। देखिए कितनी इसकी अच्छी खुशबू आ रही है और खाने में भी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। मंदीप मेरा तो अभी से जिद कर रहा है इसको जल्दी जल्दी से खाने के लिए, मुझे तो अभी डाल कर दो प्लेट में मैं इसको खाऊँ। कितनी अच्छी खुशबू और इतने टेस्टी लग रहे हैं देखने में ही। ये देखें चिकर छोले बनकर तैयार हैं और जो मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। अब मैं इसे सर्व करूँगी, एक बाउल में सर्व कर रही हूँ। देखिए मैंने एक बाउल में इसे सर्व कर दिया है और मैंने थोड़ा सा जो अदरक लंबाई में काट कर रखा था इस पर मैं थोड़ा सी गार्निश कर दूंगी। ये जो हमारे चिकन छोले बनकर तैयार हैं, आप इसे पूड़ी के साथ चपाती के साथ खाएं, आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा खाने में। और प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये चिकन छोले कैसे लगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे थैंक्स कहना चाहो तो थैंक्स का बटन नीचे आप उसे दबाकर मुझे थैंक्स भी कह सकते हो। फिर मिलेंगे हम आपको अपनी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।